चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। दुनिया भर के देशों में कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए लोग हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हैंड सैनिटाइजर की खोज किसने की थी? 1966 में अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में रहने वाली एक महिला ने हैंड सैनिटाइजर की खोज की थी। इस महिला का नाम ल्यूप फर्नांडिस था। ल्यूप नर्सिंग की एक छात्रा थी। एक दिन अचानक से उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि किसी मरीज के पास जाने से पहले या उसके पास आने के बाद हाथ साफ करने के लिए साबुन और पानी ना हो तो क्या होगा। इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो साबुन से कुछ अलग हो और बिना पानी के भी काम चल जाए और साथ ही उसके इस्तेमाल से कीटाणु भी मर जाएं। ऐसे में उन्होंने एक अल्कोहल युक्त जेल बनाया और उसे अपने हाथों पर रगड़कर यह चेक किया कि उससे क्या फ़ायदा होता है। ल्यूप का अल्कोहल युक्त जेल काम कर गया। उस जेल से कीटाणुओं का भी सफाया हो गया और पानी की तरह उसे सुखाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह ल्यूप का यह आविष्कार धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया और बड़ी संख्या में इसका इस्तेमाल होने लगा। आज ल्यूप को बहुत ही कम लोग जानते हैं। उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में तो किसी को भी नहीं पता है और ना ही कोई यह जानता है कि वो अभी जिंदा भी हैं या नहीं, लेकिन उनका यह आविष्कार पूरी दुनिया को फ़ायदा ज़रूर पहुँचा रहा है। हाल के दिनों में हैंड सैनिटाइजर की आविष्कारक के रूप में ल्यूप का नाम सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दुनिया भर के लोग उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिनकी खोज की वजह से ही आज लाखों लोगों की ज़िंदगी बच गई है और आगे भी बचती रहेगी। आज से 50 साल पहले हैंड सैनिटाइजर की इतनी मांग नहीं थी, लेकिन समय के साथ इसकी मांग में तेज़ी से इजाफा हुआ है। हालांकि ल्यूप को उनकी इस महत्वपूर्ण खोज के लिए काफ़ी देरी से सराहना मिली है, लेकिन इससे यह जरूर साबित होता है कि मानवता को बचाने में उन्होंने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 50 साल पहले ल्यूप ने इस आविष्कार के जरिए लोगों की कई खतरनाक बीमारियों से सुरक्षा दी थी और आज भी उनकी इस खोज से लाखों जिंदगियों में कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिल रही है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।